मध्य प्रदेश में आए दिन ट्रेन और मालगाड़ी की पटरी से उतरने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं सोमवार को एक बार फिर मालगाड़ी बेपटरी हो गई। ये रेल हादसा भोपाल के मिसरोद और मंडीदीप के बीच हुआ, जहां 50 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती मालगाड़ी ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। वहीं हादसे के बाद हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। राजधानी भोपाल में आज फिर एक रेल दुर्घटना घटित हुई। दोपहर करीब 12:30 बजे मिसरोद और मंडीदीप के बीच मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय मालगाड़ी ट्रेन 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी। ट्रेन पटरी से कैसे उतरी इसकी वजह अभी सामने नहीं आई है। रेल मंडल में हुए हादसे के बाद मालगाड़ी के लोको पायलट ने वॉकी टॉकी से स्टेशन मास्टर और कंट्रोल रूम को घटना से अवगत कराया। पटरी से उतर जाने के बाद मालगाड़ी मेन लाइन पर ही खड़ी रही। वहीं सूचना मिलते ही रेल अधिकारी मौके पर पहुंचे। बता दें मध्य प्रदेश में इससे पहले भी ट्रेन और मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने की घटनाएं आ चुकी हैं। इससे पहले इटारसी जंक्शन पर मैसूर रानी कमलापति स्टेशन ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इसी तरह दमोह में मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई थी। वहीं रतलाम नीमच रेल मार्ग में मालगाड़ी और ट्राला की टक्कर हो गई थी, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। रेलवे प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। देख रहे हैं जैसे यहाँ पर ये NMG रेक होता है जिसमें कि गाड़ियाँ आती हैं। ये भी दिल्ली डिवीजन से आ रहा था और ये बैंगलोर की तरफ जा रहा था। तो इसमें जब ये मिसरोद मंडीदीप के बीच से पास कर रहा था उस सेक्शन में यहाँ पे डिरेलमेंट हुआ है, जिसमें कि लगभग तीन कोच में लगभग एक कोच की 4 बोगी और बाकी 2 कोच में 1-1 बोगी का डिरेलमेंट हुआ है। और आप देख रहे हैं कि कार सुचारू रूप से चल रहा है और हम लोगों ने बेसिकली लगभग 2 कोच उठा लिए हैं अब तक और 3रे कोच को लिफ्ट करके रखा है, जिससे कि यहाँ पे ट्रैक बन जाएगा उसको भी लोअर कर देंगे। तो इसमें एक बात यह है कि हमारा ट्रैफिक बाधित नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारी मिडिल लाइन और जो अप डाउन लाइन है उससे ट्रैफिक लगातार चला है। तो पैसेंजर ट्रैफिक और गुड्स ट्रैफिक में कोई बाधा नहीं आई, वो लगातार चलता रहा है। सर क्या कारण रहा कि इस तरीके से ये हादसा हो गया कि डिलाइन हो गई? देखिए ये तो इंक्वायरी में मालूम पड़ेगा। अभी तो हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेशन कर रहे हैं, रेस्टोरेशन जल्दी से जल्दी हो, जिससे हमारा प्रयास रहता है कि जिससे कोई जो ट्रैफिक है बाधित ना हो। इंक्वायरी इसके बाद होती है, इंक्वायरी में इसका मालूम पड़ेगा कि क्यों हुआ ये। सर कब ये हुआ था और कितना समय और लगेगा सर ये सुचारू रूप से ट्रेन यहाँ से निकल जाए मालगाड़ी और साथ में और भी ट्रेनें यहाँ से चल सके? ये लगभग 1 बजे के आसपास हुआ था, 12:40 पर हुआ था। और इसमें अभी जैसा आप देख रहे हैं कि लगभग हमें आधा घंटा से 45 मिनट और लगेगा, तब तक ट्रैक पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम इसी ट्रेन को मूव करा के इसकी सेफ्टी चेक कर लेंगे। कोई कह रहा था सर यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं हो रहा था, गाड़ी तेज थी सर इस तरीके से? नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ मेंटेनेंस तो ट्रैक का होता ही है, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे ऐसा कार्य हो रहा था जो कि ट्रैक पे नहीं होना चाहिए। ट्रैक पे मेंटेनेंस होता है, तभी तो ट्रैक सुचारू रूप से सेफ्टी मेंटेन करता है। तो यहाँ पे कार्य हो रहा था और यहाँ 30 किलोमीटर की स्पीड थी, लेकिन ये क्यों यहाँ पे इस तरह की घटना घटी है इसके लिए पूरी इंक्वायरी होगी, जिसमें कि इसका कारण मालूम पड़ेगा। और ट्रेन सर बाधित तो नहीं हुई है ट्रैक के यहाँ पर डिलाइन होने से? नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे हमारी 2 लाइन और है, एक हमारी यहाँ पे मिडिल लाइन है और एक हमारी डाउन लाइन है, उस पर लगातार हमारा ट्रैफिक सुचारू रूप से चला है। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द भारत न्यूज़।